तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पर बनाने वाले हैं एक बाइक ब्लिकिंग लाइट, जो कि इससे पहले भी हमने बनाया था, लेकिन भाई का यहाँ पर कमेंट है कि भाई जो है कि एक ब्लिकिंग लाइट यहाँ पर बनाइए, जो कि हमने बनाया था उसका कनेक्शन जो है उनको नहीं समझ में आ रहा है। जैसा कि यहाँ पर होता क्या है कि बाइक का जो भी हम लोग जो साइड इंडिकेटर लाइट भी यहाँ पर ऑन करते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है ना कि वो लाइट जो है इंडिकेट ऑन करते हैं, तो भाई का यहाँ पर कहना है कि रिले जो है कि ऑटोमेटिक यहाँ पर कट कुट कर रहा है, उसके लिए जो कनेक्शन जो है वो बिल्कुल भी मतलब अलग करना पड़ रहा है। तो इसमें क्या है, कनेक्शन होता है आपको अलग करने की जरूरत नहीं है, बाइक का इंडिकेटर का जो लाइट होता है दोस्तों उसी का वायरिंग में जो है कि आपको यहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए वीडियो में कंप्लीट आपको बताएंगे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी देखिए, इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर दो जो है कि 2 12 वोल्ट का यहाँ पर एडी ले ली है। तो आप कोई सा भी यहाँ पर एडी ले लीजिएगा, जो भी आपके पास होगा। तो मेरे पास ये 2 कलर का है, एक व्हाइट है और एक ब्लू है, ठीक है। और इसका बाद जो है कि आपको पास एक रिले होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मेरे पास जो रिले है ये 12 वोल्ट का रिले है, क्योंकि वहां पर बाइक में जो है कि 12 वोल्ट का बैटरी होता है, इसी के कारण हमने यहाँ पर 12 वोल्ट का रिले लिया है। आपको भी 12 वोल्ट ही लेना है, 5 वोल्ट आपको नहीं लेना है। तो चलिए यहाँ पर इसका कनेक्शन करते हैं। और कनेक्शन करने से पहले ये देखिए, एक यहाँ पर सिर्फ कैपेसिटर यूज करना है और एक रजिस्टर है मेरे पास, बस इतना ही। यानी कि सर्किट है दोस्तों ये जो है कि कम्प्लीट हो जाएगा, इतना ही है। बाकी आपका एलईडी तो आपको कलर देख लेना है कि आपको कौन सा कलर यहाँ पर अच्छा लगेगा। वैसे यहाँ पर जब जलेगा ये, तो आप खुद यहाँ पर देखिएगा कि आपको कौन सा कलर यहाँ पर आपको पसंद होता है, अच्छा लगता है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो सबसे पहले रिले का यहाँ पर पॉइंट को समझ लीजिएगा, क्योंकि इसका पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो इसका हो सकता है कनेक्शन नहीं कर पाए, क्योंकि सभी लोग को यहाँ पर ये चीज पता नहीं होता है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर ये 5 पॉइंट है, इसका 5 पॉइंट में से ये जो दोनों पॉइंट है ये इसका कॉइल का पॉइंट होता है, और ये जो बीच का पॉइंट है ये इसका कॉमन पॉइंट होता है, ये वाला इसका एनसी होता है, ये इसका एनओ होता है, ठीक है। यानी सिंपल भाषा में अगर बोला जाए दोस्तों, तो ये जो कॉमन है और ये एनसी है, अभी आपस में यहाँ पर अटैच है, और जैसे ही इस कॉइल पे यहाँ पर सप्लाई मिलेगा तो ये जो है कि एनओ पर यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। इसका कनेक्शन कुछ इस तरीका से होता है, जो कि हमने आपको समझाया। अभी आपको क्या करना है, एक आपको यहाँ पर रजिस्टर लेना है, जो कि मेरे पास है। रजिस्टर आप कोई सा भी ले सकते हैं, हाफ वाट में 1 वाट में आप ले सकते हैं, जो मर्जी आपको, बस जो भी वैल्यू आपको डिस्प्ले में यहाँ पर शो कर रहे हैं। इसको कुछ इस तरीका से आपको यहाँ पर अटैच कर देना है, ये देखिए कुछ इस तरीका से, ठीक है, एक कॉइल में और एक एनसी पॉइंट में, इस तरीका से। तो चलिए इसको हम इस तरीका से अटैच यहाँ पर कर लेते हैं, इसको बहुत ही आसानी तरीका से इसको हम इस तरीका से पकड़ लेते हैं, ताकि इसको अटैच करने में हमको आसानी टाइप से लगे और आपको भी यहाँ पर अच्छे तरीका से दिखे। और बाकी काफी भाई का यहाँ पर ये भी रहता है, यहाँ पर कमेंट की जो डिस्प्ले में जो भी हम यहाँ पर बोल रहे हैं वो हिंदी में लिखा हुआ आता है। तो भाई वहां पर ये जो है ना यूट्यूब का एक सिस्टम है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि ऊपर डिस्प्ले में देखिए, राइट साइड में आपको देखने में मिलेगा एक सीसी का ऑप्शन मिलेगा, डबल सी का, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक जो है कि बंद हो जाता है। तो आप वहां से उसको बंद भी कर सकते हैं। ये वैसे देखा जाए तो लैंग्वेज के लिए, अगर लैंग्वेज आपको चेंज करके देखना है तो वहां से जो है कि आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, उसके बाद जो है कि वीडियो को देख सकते हैं। इसको हमने कुछ इस टाइप से यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर रहा कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का ये इसका माइनस पॉइंट हो गया, ये इसका प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डायग्राम हम नहीं दे रहे हैं, तो आप जो है कि यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर वीडियो देख करके आप यहाँ पर बना लीजिएगा। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको सोल्व करना है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका माइनस है, तो चलिए कुछ इस तरीका से इसको हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। ये बिल्कुल भी आसान तरीका है और सबसे छोटा भी सर्किट है, ज्यादा सर्किट में कुछ है भी नहीं, 3 कंपोनेंट है, उससे ज्यादा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एक और यहाँ पर आपको ये कॉइल का जो पॉइंट है इसमें आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्लियर, इस तरीका से हमने इसको सोल्व कर लिया, ये इसका माइनस पॉइंट हो गया और ये इसका प्लस पॉइंट हो गया। अभी आपको क्या करना है, ये जो दोनों एलईडी है मेरा, तो जैसा कि हमने आपको बताया, अभी इसका यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर माइनस प्लस होता है, तो दोनों एलईडी का जो माइनस पॉइंट है, ठीक है, ये देखिए मेरा इस साइड में ले लेते हैं, ये दोनों एलईडी का जो माइनस पॉइंट है दोस्तों, इसको आपस में इस तरीके से हमको अटैच कर लेना है। तो दोनों का माइनस हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको शॉर्ट मार देते हैं, ताकि यहाँ पर हिले डोले ना। चलिए इसको इस तरीके से यहाँ पर इसको फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने फिक्स कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, ये जो रिले का जो दोनों पॉइंट है, ठीक है, यानी कि एनसी और एनओ, ठीक है, ये वाला एनओ और एनसी, तो दोनों में क्या करना है, ये जो बचा हुआ पॉइंट है इसका एक एक वायर दोनों में आपको इस तरीके से यहाँ पर सोल्ड कर देना है। इसका बाद जो है कम्प्लीट इसका वायरिंग बताएंगे दोस्तों आपको, किस तरीके से जो है कि बाइक में आपको लगाना है, तब जाके ये काम करेगा सही तरीके से। जैसा कि यहाँ पर कमेंट था,
कमिटी यहाँ पर ये था कि यहाँ पर जो है कि स्विच क्या मतलब अलग से लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। आपको जो है कि यहाँ पर करना क्या होगा वो चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर आपको समझाएंगे, तभी जो है कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीका से ये काम करेगा। एक बार हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, चलिए दूसरा बार अभी मेरा बाकी है। तो ये जो मेरा वायर है यहाँ पर, इसको हमको कनेक्ट करना है, यानी कि दोनों एक NC हो जाएगा और एक NO हो जाएगा, दोनों पे आपको कनेक्ट कर लेना है। यानी कि दोनों इसका पॉजिटिव जो रहेगा पॉजिटिव आपको कनेक्ट करना है, नेगेटिव दोनों का एक साइड में है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरीका से इसका कनेक्शन हुआ है। अभी चलिए इसमें सप्लाई देना है आपको, तो सप्लाई आपको कहाँ पर देना है वो चीज आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो उससे पहले क्या करना होगा, ये जो वायर है, ये जो माइनस वाला वायर है, इसको आपको इस तरीका से यहाँ पर अटैच कर देना है। ये जो कॉइल वाला पॉइंट है यानी कि कैपेसिटर का जो माइनस पॉइंट हो गया, इस जगह पे आपको इसको आपस में अटैच कर देना है। आप जम्पर भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर वीडियो में दिखाने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से शॉर्ट कर लेते हैं, ताकि ये आपस में जो है कि अटैच होकर रहे। अभी देखिए यहाँ पर क्या किया है, दोनों वायर को हमने इस तरीके से कर लिया है, अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी क्लियर है। अभी चलिए इसमें सप्लाई देना है हमको, तो सप्लाई हमको कहाँ कहाँ देना है, जो कैपेसिटर का जो माइनस पॉइंट है, ठीक है, ये जो माइनस पॉइंट है तो यहाँ पे हमको माइनस ही देना है, और जो इसका कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट पे हमको इसका प्लस सप्लाई देना है। तो प्लस सप्लाई देने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक रेड कलर का वायर इसमें जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा चिमटा थोड़ा सा सही तरीके से नहीं पकड़ेगा, तो चिमटा को पकड़ाने के लिए यहाँ पर जो है कि एक वायर हमको यहाँ पर सोल्ड करना पड़ रहा है। बाकी आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर वायर लगा सकते हैं। चलिए, तो एक वायर हमने यहाँ पर लगा दिया है, तो इसमें हमको पॉजिटिव देना है, और जो कैपेसिटर का माइनस पॉइंट है इसमें हमको नेगेटिव देना है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर के साइड में कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से दिखे। चलिए, अभी जो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर दिखेगा, चलिए इसको हमने नीचे के साइड में रख लिया है। अभी सिर्फ हमको यहाँ पर सप्लाई देना है, तो आपको सप्लाई यहाँ पर 12 वोल्ट देना है। तो किस तरीके से देना है वो चीज आपको यहाँ पर पहले बता देते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर चेक करेंगे। जैसा कि जो इंडिकेटर का जो लाइट होता है दोस्तों, वहां पर क्या था कि ब्लिकिंग करता है, जो हम लोग का लाइट होता है बाइक में, तो वहां पर ब्लिकिंग वो इसलिए करता है क्योंकि वहां पर एक कंट्रोल वहां पर लगा हुआ रहता है सेम इसी तरीका से, और वहां पर क्या है कि उसको बंद चालू वही करता है। तो आपको करना क्या है कि एक तो वहां पर बॉडी में दिया हुआ रहता है जो उसका वायर होता है बाइक का, एक बॉडी में दिया हुआ रहता है यानी कि उसका नेगेटिव बॉडी में रहता है, और पॉजिटिव डायरेक्ट कंट्रोल से होते हुए आता है सर्किट में, जो कि लाइट में वहां पर आता है सर्किट से होते हुए। तो आपको सर्किट के छोड़कर सर्किट के आगे से आपको उसको पॉजिटिव ले लेना है, तब जाकर वो आपके जो बाइक में जो लगा हुआ जो स्विच है उस स्विच से कंट्रोल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपने बात यहाँ पर समझा हमने क्या बताया आपको। चलिए एक बार इसको पहले ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से एक बार बता देंगे। जैसा कि इसको हमको यहाँ लगाना है, तो अभी आप देखिए कुछ इस तरीका से यहाँ पर जो है कि ये काम करता है, इसी तरीका से जो है कि बाइक में काम करता है। ठीक है, ये फ्लशिंग कर रहा है, अभी शायद अब यहाँ पर लाइट है इसके कारण आपको सही तरीका से नहीं दिए। चलिए यहाँ पर लाइट को ऑफ करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये किस तरीका से यहाँ पर काम कर रहा है, जो कि यहाँ पर लेफ्ट राइट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, जैसा कि इसका कनेक्शन किस तरीका से करना है, चलिए एक चीज आपको क्लियर यहाँ पर समझा देते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर ये जो बाइक का स्विच है, तो बाइक का स्विच से जो दो वायर यहाँ पर आता है ना, जैसा कि मान लीजिए एक आता है नेगेटिव एक पॉजिटिव आता है, तो नेगेटिव जो होता है वो ऐसे भी बॉडी में दिया हुआ रहता है, कोई भी चीज का बॉडी में ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ रहता है, और जो इसका पॉजिटिव होता है पॉजिटिव जाता है यहाँ पर कंट्रोल में। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल से होते हुए तब जो है कि इंडिकेटर का लाइट में जाता है। तो आपको कंट्रोल में देखना है कि मेरा जो इंडिकेटर का जो लाइट है, आपको लाइट के द्वारा आपको उसको वायर को आपको ट्रैक करते हुए आपको जाना है, और जाना है देखना है कि कंट्रोल में है, जो कंट्रोल में आपको लगा हुआ है कंट्रोल के आगे से आपको बस उस वायर को डायरेक्ट कर देना है कंट्रोल से आगे से। ठीक है, तब जो है कि सर्किट इस तरीका से काम करेगा, क्योंकि वहां पर जब भी अगर डायरेक्ट आप लाइट हटा के अगर इसको यहाँ पर जोड़िएगा तो होगा क्या ना कि वहां पर ब्लिकिंग करते हुए ऑलरेडी वहां से देगा, तो फिर ये लाइट जो है कि सही से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके रिले में जो है कि कंटिन्यू यहाँ पर चाहिए इसका वोल्टेज 12 वोल्ट। तो चलिए थोड़ा समझ में आया होगा, बाकी जो भी अगर नहीं समझ में आया तो आपको यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर मेरे डिस्क्रिप्शन में वहां पर आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाता है दोस्तों। आप चाहे तो कुछ अलग तरीका से वहां पर अगर कुछ ज्यादा आपको खास रहेगा तो वहां पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओनली चैटिंग नो कॉलिंग यहाँ पर करना है। और बाकी अगर जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी कमेंट है, तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा, और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि इस तरीके का हर तरीके का वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।